हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग मस्त और टकाटक होंगे। मैं होप तो ये करता हूँ कि आप सब लोग तो टकाटक होंगे, बट इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि सबका पोर्टफोलियो, वो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक का, आई होप कि मुझे लगता है कि सबका ही डाउन होगा, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो का तो जबरदस्त बैंड बजा, जबरदस्त। मैं आगे बताऊंगा अभी आपको गाइस, म्यूचुअल फंड का भी बताऊंगा और स्टॉक का तो मतलब हिला देगा, ऐसा ऐसा नीचे गया है ना, मैं क्या बताऊं आपको। बट आप लोग वीडियो पूरी एंड तक देखना गाइज, मैं पूरा आपको एंड तक बताऊंगा। और जो लोग वीडियो में पहली बार आए हैं गाइज, मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, स्टॉक पोर्टफोलियो का डेली बेस पे ऐसे ही अपनाया। शॉर्ट्स तो मैं डेली डालते रहता हूँ म्यूचुअल फंड्स के रिलेटेड, बाकी वीडियोज भी मैं डालते रहता हूँ, जितना हो सके उतना डालता हूँ मैं। और आज तो गाइज बनाना बहुत ही जरूरी था, बिकॉज आज इतना डाउन गया है ना स्टॉक में खास करके, तो मैं, और ऊपर से आज फ्राइडे है, तो सोचा एंड ऑफ द वीक में जब मार्केट बंद हो रहा है, आज फ्राइडे, तो सोचा मैंने अब दिखाता हूँ आज स्टॉक का क्या है हालचाल। और बाकी आप सब लोग भी अपना कमेंट से बताओ। तो अब सबसे पहले बात करेंगे गाइज म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का गाइज देखो, 7209 के अराउंड गया है, 0.62, बट धमाल इसमें नेगेटिव जाएगा जितना मुझे लग रहा है कल, जो कि आज जो गिरा है मार्केट, देखते हैं अब कल कितना गिरेगा। बट अभी फिलहाल आज म्यूचुअल फंड में भी नेगेटिव है, 38.74% का टोटल रिटर्न हो गया है। जो गाइज यू नो वीडियो देख रहे हैं पहले, सो गाइज यू नो इसीलिए मैं बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो मैं कोई बाय टिप्स रिकमेंडेशन तो नहीं देता, मैं हमेशा सबको ये बोलता हूँ कि चैनल से एजुकेशन पर्पज के लिए नॉलेज लो, बाकी इन्वेस्टमेंट करना नहीं करना वो तो आपको अपने लेवल पर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा देख लो गाइज, जाके वीडियो देखोगे तो एक टाइम पे वीडियोज में देखेंगे आप तो 12,09,000 तक भी चले गया था पोर्टफोलियो, और आज देखो 11,48,423 रुपीज़ के अराउंड गिर के इतना आ चुका है अभी करंट में। बट ठीक है, डाउन जाएगा तो अब भी आएगा, पैनिक नहीं होना है, मतलब मैं ये अपना थॉट्स बता रहा हूँ। आप लोग को क्या करना है, आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबली और रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना डिसीजन लो। बट मैं गाइज यू नो होल्ड रखूंगा शांति में अपना। सही बोलूँ तो मैं स्टॉक्स पे देखता हूँ तो थोड़ा सा लगता है कि भाई कितना झटके देता है, बट म्यूचुअल फंड ठीक है अब तक तो सही दे रहा है, बाकी देखते हैं आगे अब क्या करेगा क्या नहीं करेगा। बट मैं तो फिलहाल अभी इसमें होल्ड ही हूँ और होल्ड ही रहूंगा जितना हो सके मुझसे, बाकी जो भी आगे मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, आप चैनल से बने रहना गाइस, आपको मैं अपनी जर्नी शेयर करते रहूंगा, तो आपको भी कुछ ना कुछ एजुकेशन पर्पज के हिसाब से कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेगा। और मेरा फर्स्ट गोल तो है 1 करोड़ अमाउंट रीच करने का, बाकी अदर गोल्स भी है, बट सबसे पहला मेन गोल तो 1 करोड़ अमाउंट रीच करने का ही है। अब उसके बाद देखिए गाइस, मेरा ये आज मैंने कुछ 100-250 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया, बहुत कम है, बट यू नो गाइज यू नो आज इतना नीचे नीचे गया ना गाइज, आज मेरे पास थोड़ा ज्यादा फंड्स होते तो मैं डाल देता, बट अभी क्या करें अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो फिलहाल अभी शांत हूँ, छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करते रह रहा हूँ ये 100-200-250, बट देखते हैं अभी आएगा बीच में कुछ अरेंजमेंट होगा या कुछ सेविंग्स निकलता है तो डालूंगा, बट नहीं होगा तो फिर जाने दूंगा। और देखेंगे आज कैसा मेरे म्यूचुअल फंड ने परफॉर्म किया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने गाइज मेरा 0.53% का नेगेटिव दिया है, कोटक स्मॉल कैप ने भी 0.53% का नेगेटिव दिया है, एक्सेस ने दिया है 0.97% का नेगेटिव, तो परसेंटेज के मामले में 1 डे रिटर्न 1 डे नेगेटिव सबसे ज़्यादा दिया है एक्सेस स्मॉल कैप फंड ने। और ये रहा मेरा दूसरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, ये मैंने ये साल से डाला है, इससे पहले वाला जो मैंने आपको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखा उसको 1 साल के ऊपर हो गया है, लास्ट ईयर जुलाई 2023 में डाला था, अभी 1 साल के ऊपर हो गया है, अभी करंट मंथ कितना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल रिटर्न देखेंगे गाइस तो 3.16 अभी दिखा रहा है इसमें, एक टाइम पे जितना मुझे याद है 6-7% के अराउंड भी हो चुका था ये टोटल रिटर्न्स, बट अब गिर गया है, अब क्या देखते हैं। रहा टोटल रिटर्न्स इसमें नेगेटिव 27.25% के अराउंड नेगेटिव गया है, भाई साहब बहुत खतरनाक। और टुडेज रिटर्न देखेंगे तो 3.35% के अराउंड नेगेटिव हुआ है, खतरनाक गिरा है मतलब आज मेरे लिए। तो गाइज यू नो ये टोटल रिटर्न देखिए 27.25%, तो मेरे लिए क्रैश जैसा ही हो गया एक तरीके से 27.25%, बट अगेन मैं होल्ड करके रखूंगा, कुछ मैंने इसके लिए अपने खुद के लिए भी एक गोल रखा है कि कब तक होल्ड रखना है क्या रखना है, तो मैं यू नो जब तक मैं होल्ड करता हूँ मैं अपनी जर्नी ऐसे ही शेयर करते रहूंगा। तो गाइज यू नो आपको एक एजुकेशन पर्पस के लिए कुछ ना कुछ आइडिया मिलते रहेगा आई होप, बाकी इन्वेस्टमेंट क्या करना है क्या नहीं करना है कहाँ पे करना है वो तो आप अपने लेवल पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिसीजन लो। बाकी गाइज यू नो मैंने एक दो कमेंट्स देखे, कोई कोई मुझे ये बोल रहा है, ये देख रहे हो ऊपर, ये देखो मैं यहाँ पे सर, ये आपको बाहर दिख रहा होगा जो मैं यहाँ पे से हिला रहा हूँ हाथ से, बहुत लोग बोल रहे हैं ये सर्च फॉर टाटा मोटा, सर्च फॉर रिलायंस, सर्च फॉर जोमेटो, ये सब जो दिखा रहा है ये मेरे स्टॉक्स है। अरे भाई ये जो सारे दिखा रहा है ना ये सारे ऐसे, ये आप पहले ना डाउनलोड करो अपस्टॉक, आपको पता चल जाएगा ये ऑटोमेटिकली अपने आप हिलते रहता है, ठीक है। ये सब के सब मेरे शेयर नहीं है ये जो पूरे दिखा रहे हैं, तो मैंने एक दो कमेंट देखा था किसी का तो शायद, तो ब्रदर आप ऐसे मत सोचो। और बाकी आप सो गाइज ये देख रहे हो ये हिलते रहेगा, तो इसमें अपने आप ये शो हो रहा है स्टॉक्स के सर्च फॉर लाइक यू नो रिकमेंडेशन, इसमें मेरे अंदर जरूरी नहीं कि ये सारे स्टॉक मेरे अंदर ही है गाइज, ये अपने हिसाब से अब स्टॉक्स में रिकमेंडेशन आ रहा है, ओके। तो बहुत लोग, मैंने एक दो कमेंट देखा था, बहुत नहीं एक दो कमेंट देखा था, वो बोल रहे थे कि यही मेरे स्टॉक्स है, भाई इसमें तो ऐसे जो ये स्टॉक्स दिखाते जा रहे हैं ये सारे स्टॉक्स मेरे नहीं है, ठीक है, इसमें से तो ये जो भी दिखा रहे हैं तो आप। और बाकी गाइज यू नो शेयर्स का मैं रिकमेंडेशन बिलीव नहीं करता, मैंने जब से अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ
मैं आप लोग को लाइक यू नो क्लियरली बताया हूँ, मैं आपको बताऊंगा आगे कभी टाइम आएगा राइट, तो मैं बताऊंगा अपने शेयर्स भी, सारे शेयर्स बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल यू नो गाइज मैं अपने शेयर फिलहाल कंफर्टेबल फील नहीं करता कि बताऊं आप लोग, मैं अपना रिटर्न तो दिखाई रहा हूँ गाइज, टोटल रिटर्न जो भी है, बाकी यार आप लोग अपने हिसाब से शेयर चूज करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे डालो, देख नहीं रहे हो कि कितना नेगेटिव भी जाता है, तो आप लोग, मैं जरूरी नहीं ना गाइज जैसा भी मैं होल्ड कर रहा हूँ तो सब लोग भी इतना होल्ड कर सकते हैं, तो ये सब चीजें, बट अगेन ये अगेन टाइम टाइम की बात है, आज लॉस है तो शायद मुझे कल इसका रिटर्न मुझे डबल भी हो जाए या वापस इससे ज्यादा और भी नीचे हो जाए, तो वो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा वो या गेन होगा या लूज होगा जो भी होगा मेरा होगा, बट आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपना डिसीजन लो। और हाँ कोई भी, मैं ये स्टॉक्स आपको जो भी कभी दिखता है या मैं बोलता हूँ या मैं कोई म्यूचुअल फंड का बताता हूँ, अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ इस पीरियड में गाइस, कुछ भी आपको मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, ये कोई भी बाय रिकमेंडेशन या टिप नहीं होता, तो मैं हमेशा याद रखो गाइस ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज के लिए है, सर्टिफाइड हम लोग कोई सेवी सर्टिफाइड नहीं है हम लोग रजिस्टर्ड, सो मैं अपनी एक जर्नी शेयर कर रहा हूँ, तो उस जर्नी के प्रोसेस में अपना एक जर्नी शेयर कर रहा हूँ और आप लोग से अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ, और हम लोग यूनिक कम्युनिटी जस्ट अपनी एक इन्वेस्टर की हमारी छोटी कम्युनिटी बना रहे हैं, हम छोटे छोटे इन्वेस्टर जैसे हम लोग हैं अपने काम के साथ साथ हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब एक टारगेट रखते हैं हम लोग भी कि हम लोग कभी फंड्स आगे जाके लाइक यू नो पोर्टफोलियो बड़ा बने, तो अभी आज ऑलमोस्ट 4,500 प्लस हमारी कम्युनिटी बन चुकी है, सो काफ़ी थैंक यू सो मच गाइज इसके लिए भी आप सबका, तो आई होप ऐसे आप लोग और सपोर्ट दिखाओ, बाकी गाइज यू नो आज तो बड़ा गंदा रहा आज का दिन, बट अब देखते हैं आने वाला टाइम शायद अच्छा हो, बाकी जो भी होगा मैं अपना ऐसा जर्नी शेयर करते रहूंगा गाइज, आप लोग कमेंट्स में बताओ डेफिनेटली मुझे कि आप लोग का आज क्या क्या म्यूचुअल फंड और स्टॉक पोर्टफोलियो दोनों में कितना नेगेटिव आया या पॉजिटिव जो भी है जल्दी से जल्दी कमेंट्स में बताओ। सो गाइज ये रहा मेरा दूसरा स्टॉक पोर्टफोलियो, इसमें भी सेम 27.18% के अराउंड टोटल नेगेटिव है, 3.37% के अराउंड इसमें वन डे लॉस, वो लॉस एज इन लाइक डाउन गया है इसमें भी, तो इसमें भी जबरदस्त नेगेटिव में गया है पोर्टफोलियो, और ये रहा मेरा तीसरा स्टॉक पोर्टफोलियो, इसमें भी 10.81% का नेगेटिव हो गया है। सो गाइज देख रहे हो ये सारे तीनों पोर्टफोलियो ना गाइज मैंने ये साल ही किया है इन्वेस्टमेंट, तो अभी तक एक साल नहीं हुआ है मुझे इन्वेस्टमेंट करते करते, तो स्टॉक में इन म्यूचुअल फंड में मुझे मोर देन 1 ईयर हो गया है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो एक साल के ऊपर में लाइक यू नो मेरे को एक्सपीरियंस अब तो अब हो ही चुका है इन्वेस्टमेंट करते करते, तो बहुत ऊपर नीचे की जर्नी देखा है, बट अभी तक कहने वाले कहते हैं एक्सपर्ट के अभी तक एक्चुअल क्रैश तो आया नहीं है, बट 27.25% मेरे पोर्टफोलियो में क्रैश तो आ ही गया एक तरीके से स्टॉक पोर्टफोलियो में, तो एनी विच में मे बी रॉन्ग टाइमिंग भी हो सकता है, जब वो हाई पॉइंट पर होगा तो शायद मैंने तभी बाई किया होगा उन स्टॉक्स को, जो भी होगा बट ओवरऑल यू नो एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए भी आप सबके लिए भी, बाकी क्योंकि हम ऐसे ही गाइज यू नो आज मैं अपनी जो जर्नी दिखा रहा हूँ मे बी इससे भी कोई सीख सकता भी है और कोई भी सीख भी रहा है वो चाहे फिर बाकी जो करना है उसको आगे अपने लेवल पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर जो करे, बट मैं अपनी जर्नी गाइज शेयर कर रहा हूँ तो आई होप सबको कुछ ना कुछ इससे लाइक यू नो पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है आई होप कि कुछ ज़्यादातर पॉजिटिव ही आपको एक अपडेट्स मिलते रहे, और बाकी आप लोग अपना कमेंट्स में गाइज यू नो अपने पॉइंट ऑफ व्यू अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी पूछ सकते हैं मेरे को, अगर उसका आंसर लगेगा मैं दे सकता हूं तो मैं आपको दूंगा, बट जो भी दूंगा गाइस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, बाय टिप्स रिकमेंडेशन नहीं होगा, जैसे मैं बार बार बोलता हूं गाइस, तो इसको हमेशा याद रखो, और तो आप कमेंट्स पे बात करते हैं, इनका कमेंट है वैसे तो इनका नाम बड़ा कॉमेडी है, गरीबों का राजा, भाई तुम गरीबों का राजा नाम रख के ये लमसम 36,000 की बातें कर रहे हो, ये ऐसा गरीब तो भाई सभी सब हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर इनका कमेंट है वैसे म्यूचुअल फंड में 1% प्रॉफिट बचा है और स्टॉक्स 15% लॉस, 36 के लमसम कर दिया मैंने, 3-5% और डाउन होगा तो 50 के प्लस डाल दूंगा, भाई तुम ना सबसे पहले तो मैं एक बात बोलूँ अपना नाम ही चेंज कर दो, गरीबों का राजा मत करो अमीरों का राजा लिख दो आप, बाकी डाउन गया तो क्या कर सकते हैं भाई, मेरा भी डाउन ही चल रहा है, बाकी आपको जो सही लगे डालना है लमसम तो डालिए, नहीं डालना है तो होल्ड कीजिए, निकालना है तो अपने हिसाब से अपना, बट जो भी है एक गोल बना के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए, एंड बाकी तो चैनल से कनेक्टेड रहो मैं अपनी जर्नी तो आपको शेयर कर ही रहा हूँ, तो बाकी आप लोग आप आई होप कि आपका जो जो भी टारगेट होगा आपका जल्दी से जल्दी हो जाए। इनका कमेंट है नाउ 21% डाउन स्टॉक पोर्टफोलियो, लगता है क्यों इन्वेस्ट किया मैंने स्टॉक क्या मैं बोलूं भाई, ये तो डेफिनेटली जब देखो यार स्टॉक इतना डाउन होता है ना तो एक टाइम ऐसा थॉट तो आता ही है कि साला काई को अच्छा खासा म्यूचुअल फंड चल रहा था तो काई को स्टॉक्स में कर, लेकिन यार देखो मैं अपनी बात करूँ आपका तो पता नहीं, मैं अपनी बात करूँ तो देखो मैं बिलीव करता हूँ ना हर चीज को ट्राई करना चाहिए, लेसन वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव मिलता है तो फिर उसको और अच्छे से और करो, नेगेटिव भी मिलता है तो एक्सपीरियंस लेके अगर आपको लगता है कि आप आगे जाके पॉजिटिव उसको कर सकते हो तो ट्राई करो, बट एक टाइम पे आपको जब बट राइट टाइम पे आपको स्टॉप होना बहुत जरूरी है, पागलबंदी नहीं करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी ऐसा नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं तो मैं भी बहुत राइट ही चलता हूं हमेशा, गलतियां वलतियां होती रहती हैं यार, बाकी आप देखो मैं भी डाउन में ही हूं काफी आप तो देख ही रहो, बाकी देखते हैं राइट टाइम यार हमारा भी शायद टाइम आएगा, 9,000 का लमसम किया है आज, सही है भाई, एंड आई होप आपने अच्छे स्टॉक्स या फंड्स में ही किया होगा जो भी किया होगा। इनका कमेंट है व्हाई डोंट यू ब्रिंग डाउन द एवरेज स्टॉक प्राइस एज द स्टॉक प्राइस गोज डाउन, ब्रदर मेरा एक केस यू नो मैंने कर लिया 6 लाख तक अराउंड मैंने इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, 6,15,000 या समथिंग कुछ ऐसा कर चुका हूँ टोटल, अब मैं थोड़ा ना म्यूचुअल फंड के ऊपर वापस उसको
डाल रहा हूँ जितना हो सके, मैं म्यूचुअल फंड की तरफ डाल रहा हूँ, बिकॉज 6 लाख के ऊपर भी डाल दिया मैंने ऑलमोस्ट, तो बहुत ज्यादा ही हो गया है, एंड ऑलमोस्ट 8 to 8.5 लाख के अराउंड, 8 to 8.50 thousand के अराउंड, ऐसे अराउंड मैंने म्यूचुअल फंड में डाल चुका हूँ, जितना मुझे एग्जैक्ट शायद पता है, जितना मैं एक अंदाजा लगा रहा हूँ। तो यार अब मैं चाह रहा हूँ ना कि थोड़ा म्यूचुअल फंड को और बढ़ाऊँ अमाउंट को, स्टॉक्स को देखता हूँ, एक स्टॉक्स है मेरे नज़र में, एक दो स्टॉक्स या एक स्टॉक्स पर्टिकुलरली, अगर वो मुझे एक अच्छे रेट से मिलेगा तो मैं इसमें डालूंगा, बाकी देखते हैं। अभी कुछ स्टॉक्स का ऐसे मैंने अभी प्लान नहीं बनाया, मेरा पहला फोकस तो अभी के लिए तो फिलहाल म्यूचुअल फंड है, बाकी आगे तो आप चैनल पर बने रहो, मैं डालने वाला भी रहूँगा स्टॉक में, तो मैं आपको लोग को शेयर करते ही रहता हूँ, और बाकी हाँ जितना होगा मैं उतना शेयर कर दूंगा, अगर मैं अगर आगे कुछ भी कर रहा हूँगा तो। इनका कमेंट है 22% से 16 गया म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, क्या करें भाई, अब देखो आई होप आपने अच्छे फंड्स में डाला होगा म्यूचुअल फंड में, एंड आई विश आपका जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए, और आप भी मेरे लिए विश करो कि मेरा भी हो जाए, और आप सबके लिए भी विश करो कि सबका भी मार्केट अच्छा हो जाए। इनका कमेंट अभी और डाल दूंगा, लॉस बुक नहीं करना भाई, तुम यार तुम ना गरीबों का राजा तुम चेंज ही कर दो भाई, तुम बस पैसे डालने की बात कर रहे हो भाई, गरीबों का राजा इतना पैसे की बातें नहीं करता, ठीक है। बाकी आई होप आप बहुत मजे में हो, मतलब इतने मार्केट डाउन में भी आप मजे में फुल रह रहे हो, लगता है बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया आपको दुनिया भर के यूट्यूब के चैनल देख देख के। बट एनी विच वे म्यूचुअल फंड में आई होप आपने अच्छे डाले होंगे, और स्टॉक्स में भी आपने डाले होंगे तो आई होप अच्छे डाले होंगे, एंड आई विश आपको अच्छे ही रिटर्न्स मिले लॉन्ग टर्म पे। चलो गाइस, तो फिर वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, एंड गाइस ऐसे ही चैनल को सपोर्ट दिखाओ, अरे भाई ये साल 5,000 सब्सक्राइबर का टारगेट है, उतना तो कर दो कम से कम, और बाकी यार आप लोग अपना ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।